हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है पलायन। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार की बात है, एक चूहा था। एक दिन उसने सोचा कि चूहा होना बहुत गलत बात है क्योंकि हमेशा बिल्लियों का खतरा रहता है, और बोलने लगा कि काश मैं बिल्ली होता। यह सुनकर भगवान को चूहे पर दया आ गई और भगवान ने उसे बिल्ली बना दिया। बिल्ली बनने के बाद उसे कुत्तों से डर लगने लगा। चूहा फिर सोचने लगा कि काश मैं कुत्ता होता तो मैं कहीं भी निर्भीक होकर घूम सकता था। भगवान ने उसे कुत्ता भी बना दिया। कुत्ता बनने के बाद वह दूर दूर तक खूब घूमा। एक दिन वह कुत्ता जंगल में जा पहुंचा तो शेर उसके पीछे पड़ गया। वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। तब वह कुत्ता फिर बोला कि काश मैं शेर होता, मैं बिना किसी डर के जंगल में घूमता रहता। भगवान ने उसकी कही बात भी सुन ली, उसे शेर बना दिया। अब वह जंगल में जाकर रहने लगा। वह पूरा जंगल घूमता और बहुत ही खुश था। जब वह यह देखता कि जंगल के सारे जानवर उससे डरते हैं, उसे बहुत खुशी होती। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आ गया। वह शिकारी उस शेर को मारने के लिए तीर चलाने लगा। उसे उन तीरों से बचने के लिए गुफा की ओर भागना पड़ा और वह छुपता छुपता गुफा में जा पहुंचा। फिर शेर ने सोचा कि यह भी कोई ज़िंदगी हुई, काश मैं मनुष्य होता और कोई मेरा शिकार न कर पाता। इस बार भगवान को उस पर दया नहीं आई और उसने उसे दोबारा फिर से चूहा बना दिया। भगवान उस चूहे से बोला कि मैं तुम्हें कुछ भी बना दूं, तुम रहोगे वही चूहे के चूहे। यह कहानी हमें सीख देती है कि जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से घबराकर पलायन करते हैं, उन्हें चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं दे दो, वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों से घबराकर पलायन नहीं करना चाहिए, चाहे दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो। हर हालत में, हर समय वह आपके पक्ष में न हो, आपको घबराना नहीं चाहिए और परिस्थितियों में खुद को मजबूत बनाकर उनका सामना करना चाहिए। तो आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।